শনিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করলেন উত্তরবঙ্গ চাই শ্রমিক সংগঠন। তারা জানালেন যে সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন অফ নর্থ বেঙ্গলের পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে চা শ্রমিকদের 5 ডিসিমাল পাট্টা দেওয়ার কথা প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেটা তারা মানবেন না। উত্তরবঙ্গ চা শ্রমিক সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ক্রিশ্চিয়ান খাড়িয়া বলেন যে মুখ্যমন্ত্রী চা শ্রমিকদের যে 5 ডিসিমেল পাট্টা দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন সেই বিষয় নিয়ে বহুদিন ধরে তারা বহুভাবে আন্দোলন করে চলছেন। তারা বর্তমানে তাদের দাবি হলো যে তাদের পাট্টা নয়, তাদের মালিকানার অধিকার দেওয়া হোক এবং ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গ সফরে এসেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তাদের এই সমস্ত দাবি নিয়ে তারা চেষ্টা করছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করার। ব্যুরো রিপোর্ট, ভয়েস বাংলা সংবাদ। উত্তরবঙ্গাল চা শ্রমিক সংগঠন কা প্রেসিডেন্ট জমিন কি মালিকানা অধিকার কো লেকার পিছলে 2020 সালো সে হাম লোগ লাগাতার সংঘর্ষ করতে আ রহে হ্যাঁ। হাম লোগো নে 2021 সাল মে ভি কালচিনি সে লেকার শিলিগুড়ি তক এক যাত্রা ভি কিয়া থা, জিসমে হাম লোগো নে তকরিবন 70 কে গাড়ে হাম লোগো নে গয়ে থে, জহাঁ পে হাম লোগো নে লোগো কো বাতায়া থা কি হাম লোগো কা জমিন কা অধিকার কিউ চাহিয়ে। সাথ হি হাম লোগো নে জো DM है, उसके बाद में मुख्यमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद में देश के राष्ट्रपति है, उनको भी हम लोगों ने अपने तरीके से उनको लेटर भेजा हुआ है कि हम लोग को जमीन का अधिकार क्यों चाहिए, क्योंकि हम लोग का इतिहास यहाँ पे 1836 साल 1830 साल से है। हम लोगों ने कभी भी ये नहीं कहा है कि हम लोगों को 5 डेसीमल का पट्टा चाहिए। हम लोगों ने हमेशा से यही कहा है कि हम लोगों का जितना भी, चाहे वो 5 डेसीमल हो, 10 डेसीमल हो, 20 डेसीमल हो, जितना भी हो, हमें संपूर्ण जमीन का मालिकाना अधिकार चाहिए, उसका खतियान चाहिए, क्योंकि अभी सरकार 5 डेसीमल जमीन दे रही है। साथ ही साथ सरकार चाय सुंदरी योजना का घर भी बना रही है। साथ ही साथ सरकार ने चाय बागान के जमीन को पूंजीपतियों को देने के लिए टूरिज्म बिल भी पास कर दिया। तो इससे कहीं ना कहीं ये हम लोग का डर है, क्योंकि जो आपका टी टूरिज्म है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 150 एकड़ जमीन जो चाय बागान की जो नॉन प्लांटेशन एरिया, उसको पूंजीपतियों को दिया जाएगा टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए। लेकिन हम लोग इसको स्वागत करते हैं, लेकिन हम लोग यही कह रहे हैं कि आप यहाँ पे इंडस्ट्री लाइए, आप यहाँ पे फैक्ट्री बनाए, आप जो करना है कीजिए, लेकिन सबसे पहले हमारा जो जमीन का जो मालिकाना अधिकार है वो पहले हमको दीजिए, क्योंकि ये जो तराई टूवर्स जो रीजन है, पूरा चा बागान का जो रीजन है, उसको यहाँ के मूल निवासियों ने बनाया है, आदिवासियों ने बनाया है, गोरखा कम्युनिटियों ने बनाया है, सब कम्युनिटी मिलकर बनाया है, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी ज़्यादा है, इसलिए आदिवासियों का आवाज़ यहाँ पे ज़्यादा गूंजता है। तो हम लोगों ने हमेशा से यही कहा है कि यहाँ का मूल मालिक हम लोग हैं, कि जमीन को हम लोगों ने बनाया है, हमारे पूर्वजों ने बनाया है, तो सबसे पहले जमीन का अधिकार हमको मिलना चाहिए, ना ही कि कोई पूंजीपति को मिलना चाहिए। और साथ ही साथ अभी सरकार क्या कर रही है, सरकार अभी कर रही है कि जो हमारे गांव बसते हैं वहाँ से कहीं दूर नदी के साइड में, जंगल के साइड में, वहाँ पे लाइन बाय लाइन घर बना रही है। चार सुंदरी योजना का 5,43,000 का एक एक घर है, एक एक घर 5,43,000 का घर है, वो घर बना रही है, वो भी लाइन बाय लाइन। अगर आप लोग देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक डिटेंशन कैम्प है जैसे, ऐसा घर बना के दे रहे। लेकिन हम लोगों ने सरकार से कभी नहीं कहा है कि आप हमको साइड में कहीं पे घर बना के दीजिए। हम लोगों ने सरकार से यही कहा है कि आपको अगर घर बनाना भी है तो जहाँ पे हम लोग का घर है वहीं पे बना के दीजिए। अगर आपको अगर जमीन का मालिकाना अधिकार देना है तो उतना ही दीजिए जितना हम लोग का है। आपको अगर किसी का 3 डेसीमल, उसको तो 5 डेसीमल नहीं देना है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसको 3 डेसीमल, उसका 10 डेसीमल, 20 उतना तो दीजिए। ये हम लोग का अगर स्पष्ट कहना है। और ये हम लोगों ने ऐसा ही नहीं कि एक दिन दो दिन से कर रहे, ये हम लोग विगत कई साल से करते आ रहे। और सरकार ने जब कुछ योजना लाई है हम लोग के लिए लाई है, हमारे अच्छे के लिए लाई है, तो सरकार को समझना चाहिए कि तराई दुआ से पहाड़ सभी जगह से विरोध आ रहा है। ऐसा मतलब कि बहुत कम लोग हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, और वो लोग हैं जो राजनीतिक में, जितने भी सामाजिक संगठन है, जितने भी जूनियर है, जितने भी बुद्धिजीवी है, जितने भी तराई दुआ में जितने भी सोचने समझने और जितने भी नहीं सोचते समझते हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। हम लोगों ने यूनाइटेड फोरम पर आदिवासी राय से मिल के, उत्तरबंग चा श्रमिक संगठन मिल के, हम लोगों ने यहाँ पे सिलीगुड़ी में हम लोगों ने रैली किया था। कम से कम 7 से 8 हज़ार लोग वहाँ पे थे। हम लोगों ने नवजागरण यात्रा किया था, जहाँ पे कालचिनी से लेकर सिलीगुड़ी तक हम लोग गए थे। हम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के चीफ सेक्रेटरी, सभी को हम लोगों ने लेटर भेजा हुआ, सभी को हम लोगों ने ये बताया है कि हम लोग 5 डेसीमल हम लोग नहीं मानते,
हमें अपना पूरा का पूरा संपूर्ण मालिकाना अधिकार चाहिए, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों हमारी बातें नहीं सुन रही। तो यही हम लोग का आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है कि सरकार हमारी बातें सुने। तरई डुअर से पहाड़ के जो लोग हैं फाइव फेस्टिवल पट्टा नहीं मांग रहे वो नाखुश हैं। सरकार को स्पष्ट तरीके से इसको समझना होगा। अगर आपको यहाँ पर राजनीति भी करना है तो यही लोगों के साथ ही राजनीति करना होगा, यही लोगों को लेकर ही राजनीति करना होगा। जो लोगों को लेकर आप लोग राजनीति करना चाहते हैं वो लोग नहीं चाहते हैं ये फाइव फेस्टिवल, ये सरकार को मानना होगा। तो ये सर्दी देने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये लेटर है जो हम लोगों ने डुअर्स में प्रत्येक ब्लॉक ब्लॉक में हम लोगों ने दिया हुआ है हम लोग का लेटर, और साथ ही साथ हम लोग जो मुख्यमंत्री की यहाँ पे विजिट है उत्तर बंगाल में, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो यूनाइटेड फ्रंट फॉर आदिवासी राइट्स की तरफ से या फिर उत्तर बंगाल छात्र संगठन से कि हम लोग उनसे मिले। हम लोगों ने प्रे किया है अपॉइंटमेंट के लिए, हम लोग यही आशा रख रहे हैं कि शायद हम मतलब कि उनसे अगर मुलाकात हो जाती है तो हम लोग उनसे डायरेक्टली जो हमारी जो मांगे हैं उसको रखेंगे, और अगर मुलाकात नहीं होती तो हम लोग किसी भी तरीके से भी हम उनको जो जो हमारी जो मांग दावी है उसको हम लोग उनको देने की कोशिश करेंगे। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये की बात बोल रही है जिसको हम लोगों का चाय बगान में रह रहे आदिवासी समुदाय लोग मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि 5 किस्मी का पट्टा अगर सरकार दे रही है तो उससे वो आश्वस्त नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि पट्टा मतलब उसमें आधा सरकार का मालिकाना आधा उसका, और 5 डिसमिल मतलब होता है 3 कट्ठा, 3 कट्ठा उनके लिए काफी नहीं है। तो सरकार इतने बार हम लोग बोले लेकिन सरकार अभी तक कोई भी आगे कुछ सकारात्मक रूप से हम लोगों को आज तक जवाब भी नहीं दिए सरकार, और इस विषय में कोई घोषणा नहीं। उल्टे हम देखते हैं कि पहाड़ में शायद इसमें कुछ वोट वगैरह की राजनीति भी इसमें शायद है कि लोकसभा वोट सामने है, पहाड़ वालों के लिए कुछ अलग किस्म का घोषणा हो रहा है और हम लोग का तराई द्वारा के लिए कुछ अलग किस्म का घोषणा हो रहा है, इससे हम लोग और चिंतित हो रहे हैं। हम लोग तो मूल रूप से आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को हम लोग बताना चाह रहे हैं कि ये जो लोकसभा पोल जो होने जा रहा है इसके आगे हम लोगों के चाय बगान वासियों के लिए जो उत्तर बंगाल के इनके लिए विशेष करके आदिवासी समुदाय के लिए और बाकी दूसरे हैं उनके लिए भी सरकार को तुरंत उनका पूर्ण जमीन का मालिकाना हक देना होगा। मालिकाना हक मतलब पट्टा के रूप में नहीं, वे जो जिस जमीन पर बैठे हैं उसका पूर्णतः मालिकाना हक देना होगा। ये हमारा मूल रूप से हमारी मांग है ये, और इस मांग को हम लोग कई बार पहुंचा चुके हैं सरकार के पास में। तो यही आज का हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मूल मुद्दा यही है।